हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्लाईवुड पर पेंट कैसे करते हैं ये पूरी प्रोसेस डिटेल में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, ये सेम प्रोसेस आप वुड और एमडीएफ पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस यूज़ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से और साइन वाला कलर हो सकता है। अगर आप उसके ऊपर ऑयल पेंट यूज़ करोगे तो ये साइन वाला पेंट लगेगा। आप फिर वाटर बेस करोगे तो वो मैट फिनिश मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आए इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक्रेलिक वॉल पुट्टी लगानी पड़ती है। मैंने आपको बताया वैसे वुड, प्लाईवुड या फिर एमडीएफ तीनों सरफेस पर आप ग्रीन्स वगैरह कुछ होता है तो उसे फिनिशिंग करने के लिए कुछ इस तरह से हमें पहले एक्रेलिक वॉल पुट्टी का दो कोट कर देना होता है। दो कोट इसलिए दोस्तों कि हमारी जो ग्रीन्स है वो अच्छे से फिलअप हो जाए, फिर हमें आगे एकदम वॉल जैसी स्मूथ सरफेस मिले हमें अच्छे से। इसके लिए वजह से हमें इसके ऊपर जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी का है वो दो कोट करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, आपको और फिनिशिंग चाहिए तो इसके ऊपर आप एनसी पुट्टी का भी एक दो कोट कर सकते हो, पर वो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। वो आप डुको पेंट करना है तभी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें सैंड करना पड़ता है। सैंड करने के लिए हमें 150 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करना है और उसके बाद 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके आप कर सकते हो। अभी हम ग्राइंडर से कर रहे हैं, पर आप घर पे 150 नंबर या फिर 220 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हो। दोस्तों, ये फिनिशिंग करने के बाद हमें इसके ऊपर ज़रूरत होती है प्राइमर करने की। तो प्राइमर दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक ऑयल बेस होता है और एक वाटर बेस। इसके ऊपर हम वाटर बेस करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये वाला हमने वाटर बेस करने वाला है। तो इसे मिक्स करने के लिए हम पहले इसे बाल्टी में निकाल देंगे और फिर इसे पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, पानी में मिक्स करने का इसका जो रेशियो है वो 1 लीटर में 200 से 300 ml आप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में हम ये पूरी प्रोसेस आपको स्प्रे गन की मदद से दिखाने वाले हैं। आप चाहो तो ब्रश या फिर रोलर का यूज़ करके अपने घर पे अच्छे से खुद से कर सकते हो। और दोस्तों, ये वाली अपनी जो आगे प्राय पुट्टी की थी उसके ऊपर मैं आपको अभी पेंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी पहले मैंने गन में जो हमारा प्राइमर बनाया था वो लिया और इसके ऊपर स्टार्टिंग करने वाला है। दोस्तों, इसे स्प्रे गन आप करो तो एक और बात ध्यान रखना जरूरी है कि दोस्तों हमें एंड टू एंड करना है, बीच में अटकना नहीं है, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छे से मिले। और कुछ इस तरह से हमें दोनों तरफ से करना है, एक तरफ इस तरफ से तो दूसरी तरफ से जो घूम सकता है तो उसे घुमा के आप चारों कोनों के साथ उसे अच्छे से फिनिश अप करके एक प्रॉपर फिनिशिंग देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि जो अभी हमने प्राइमर किया है वो करने के बाद ही इसकी जो फिनिशिंग है कितनी उभर के आ रही है, तो आप समझ सकते हो पेंट करेगा तो कितनी आएगी। आप ये फिनिशिंग देख सकते हो दोस्तों। अगर इसके ऊपर हमने आगे पेंट भी किया तो ये कितने अच्छे से प्रॉपर दिख के आएगी। तो इस तरह से हमें आप पेंट भी मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, पेंट करने से पहले भी हमें एक बार प्राइमर को सैंड करना होता है। वो उसके लिए आप 220 नंबर या फिर 320 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करके अच्छे से सैंड कर सकते हो। इसके ऊपर हम टैक्टर इमल्शन पेंट यूज़ करने वाला है दोस्तों। और ये पेंट का सेम प्रोसेस है जैसे हमने प्राइमर मिक्स किया था वैसे ही करना है। तो अभी मैं पूरा आपको एक प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे मिक्स करना है। इसके ऊपर आप देख सकते हो मैं ग्रे कलर यूज़ करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये निकालने के लिए हमें 2 लीटर का कलर चाहिए था, तो इसके लिए हमने 4 लीटर की बाल्टी ली। और जब भी हम डब्बा खोलें उसे अच्छे से पहले मिक्स करो और फिर उसके अंदर पानी वगैरह ऐड करके करो, ताकि अंदर स्टीनर पड़ा होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा प्रॉपर कलर हमें मिले। दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने आपको डब्बे में दिखा देता हूँ, 200 से 300 ml जितना ही पानी ऐड करना है 1 लीटर में, ताकि वो अच्छे से हमारा जो यूज़ करने लायक रहे, ज़्यादा पतला कलर ना हो जाए। और कम डालोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, तो वो हमारा ब्रश या फिर रोलर वगैरह अच्छे से चलता नहीं है। तो ये दोस्तों, आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ चुकी होगी कि पेंट कैसे मिक्स करना है और अभी तक की पूरी प्रोसेस। इसके बाद दोस्तों, मैं ये कलर आपको फिर से गन में डाल के दिखा देता हूँ। आप दोस्तों ये देख सकते हो, यही कलर हमने गन में डाला है और फिर आगे हम उसके ऊपर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक कि आप पूरी प्रोसेस समझ चुके होगी। अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो नॉर्मल प्लाई पे ये ग्रे कलर करने वाले हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने वॉल पुट्टी वगैरह किया नहीं है, क्योंकि इस पर हमें उतनी ज़रूरत नहीं थी। ग्रीन्स वगैरह दिखे वो चले था, इसलिए हमने आपको पहले पूरी प्रोसेस समझ जा दी है और उसके बाद हम पेंट कर सकते हो। आपको हमेशा आपके घर पर करो तो जैसे वॉल पुट्टी वाला हमने पूरी प्रोसेस दिखाई, उसके बाद ही पेंट करना, काफ़ी अच्छे से और स्मूथ आपको फिनिशिंग मिलेगी। और ये वीडियो आपको पूरी प्रोसेस वाली देखनी है कि हमने कलर किया, तो ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, उसमें मैंने आपको दो पार्ट में पूरा प्रोसेस समझाया है। फाइनल पेंट तक जो हमने एक दरवाज़ा था वहाँ पे वो पूरी प्रोसेस की थी प्लाईवुड पर, तो वो आप देख सकते हो।
और दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसके बाद मैं आपको कौन सा वीडियो अपलोड करके बताऊँ। एक है दोस्तों एसी पर हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उससे पेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं, और एक है कि हमारी जो घर में अलमारी होती है उसे हम फिनिशिंग के साथ पूरी प्रोसेस के साथ मैं आपको दिखाऊं कि आप घर पे ही उसे पेंट कैसे कर सकते हो। तो ये दोस्तों आप दोनों हमें कमेंट में बताना आपको कौन सी वीडियो पहले चाहिए। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो चुका है, इसके ऊपर हम फिर से दूसरा कोर्स स्टार्ट करते हैं। हमने नॉर्मल डायरेक्ट प्लाई पे किया इसलिए हमने दो या तीन कोट करने की ज़रूरत होती है ताकि हमें फिनिशिंग है थोड़ा अच्छा मिले। इसकी वजह से ये करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप अगर वॉल पुट्टी वगैरह नहीं करना है चाहते ग्रीन से आप चलेगा तो फिर भी आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग ला सकते हो कुछ इस तरह से करोगे तो आप। तो ये पूरी डिटेल में है। तो दोस्तों हमारे ऑलमोस्ट दो कोट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने ये पूरा प्रोसेस किया था। और आपको याद रखना है दोस्तों प्रोसेस करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिना प्रोसेस का भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से आ रहा है। तो प्रोसेस करोगे तो एकदम वॉल जैसी फिनिशिंग मिलेगी। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बाय बाय।